कमरा भी इतना साफ करके रखा है दीने, मेरे लिए कोई काम ही नहीं छोड़ती है। कब से बैठे हूँ और मैं तो दी, क्या है तुम मेरे लिए कोई? क्या हुआ दी? तेरी वजह। मैंने क्या किया दी? मैं तो सुबह से घर से बाहर भी नहीं निकली, मैं तो यहाँ ही। सॉरी, आई एम सॉरी। लेकिन बुलबुल, तू तू उससे एक बार मिल ले ना, एक बार बात कर ले। किससे? पूरब से। मैं बाहर गई थी, वो तेरा वेट कर रहा था और मुझसे बात करने लग गया। तू नहीं समझ रही बुलबुल, आजकल पड़ोसियों की आंखें अपने घर से ज्यादा हमारे घर पर टिकी हुई। हमारे घर में कौन आ रहा है, जा रहा है, हम किससे मिल रहे हैं, यही ध्यान रख रहे हैं बुलबुल। किसी ने माँ किया किसी की भी कान भर दिया और सब गड़बड़ हो गई। तो तूने नहीं देखा माँ कितनी खुश है? इतनी मुश्किल से ये रिश्ता आया, ये खुशी अगर उनके चेहरे से चली गई तो तू एक बार पूरब से बात कर लेना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो सच बोल रहा है। अगर वो वाकई झूठा होता तो वो क्यों कोशिश करता तुझे मनाने की? कम से कम एक बार फोन पर ही बात कर ले। दी, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। अभी भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना, मुझे उस लड़की का। अच्छा, कौन है वो लड़की? तेरे ऑफिस में काम करती है, पूरब की दोस्त कौन है? मैं नहीं जानती थी और मैं जानना भी नहीं चाहती। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। कोई आया है क्या? अरे वो प्रीतो ने बताया था ना, वो लड़के वाले जिन्होंने तुझे पसंद किया वो लोग आ गए। तो एक काम कर, वो अलमारी में तेरे वो हरा मेहंदी रंग का सूट पड़ा है ना नया वाला, वो सुनहरी है जिसपे लाइनिंग है, वो पहन के तू फटाफट बाहर आ जा। वो लड़का भी आया क्या? नहीं, लड़का तो नहीं आया। लड़के का नाम क्या है? अब अभिषेक प्रेम, गाने वाने गाता है, सिंगर है। परिवार तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है। मैं फटाफट बाहर जाती हूँ वरना किसी ने पानी भी नहीं पिलाना। जल्दी आ जाना। चिंता मत कीजिए माँ, मैं बाहर नहीं आऊंगी। इस बार मेरी वजह से मेरी दी का रिश्ता नहीं टूटेगा। तुम खड़ी क्या है? तुझे रेडी नहीं होना? चल जल्दी चल। मेरी बुद्धू मेरी फेवरेट है। और तू तो बड़ी खुश होगी ना, म्यूजिशियन है, तुझे म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है। तुझे नहीं सुना इसका नाम अभिषेक प्रेम? अभिषेक प्रेम कोई गजल सिंगर होगा। थी माँ, माँ एक मिनट बैठिए, मैं आपको बात करनी है तुझे। प्रज्ञा माँ, अभी का रिश्ता मैं लोग बहुत अमीर हैं, लोगों का रहन सहन सोच सब कुछ हमसे अलग है। माँ, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली होती, मिडिल क्लास फैमिली का कोई भी लड़का होता ना माँ, तो मैं उसे समझ सकती। उसे समझने में मुझे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन ये रिश्ता, ये शादी मैं कैसे कर सकती हूँ माँ? तो मेरी समझदार बच्ची है ना, शादी के लिए हाँ नहीं, वो खुद रिश्ता लेकर आए। उनकी बात तो सुन ले। और याद है तूने कहा था कि उस घर में उनकी दादी सबसे अच्छी? हाँ माँ, दादी बहुत अच्छी, लेकिन वो घर। माफ करना, मैं बिना पूछे आपके कमरे में आ गई, मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, आप आइए ना। देखिए, मुझे पता है कि इस वक्त आप लोग क्या सोच रहे होंगे। यही ना कि अभी का रिश्ता हमारे घर में कैसे आया। देखो बेटा, नारियल का पेड़ कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, पर जड़ें तो उसकी जमीन के अंदर ही रहती है ना। बस ऐसा ही है मेरा अभी। नाम बड़ा, परिवार बड़ा, पर परवरिश उसके एक छोटे से घर में हुई थी। भले ही आज वो दिन के लाखों रुपए कमाता है, पर
एक वक्त ऐसा भी था कि दिन में 100 रुपया भी नहीं आता था घर में। बस यही वजह है कि मुझे मेरे पोते के लिए आपकी बेटी चाहिए, जो उसे सच्चा प्यार और थोड़ा सा सुकून दे सके, जिसकी उसकी जिंदगी में बहुत कमी है। मेरा पोता प्यार व्यार के गीत गाता है, दुनिया उसके पीछे पागल है, पर मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी दुनिया बन सके, उसको सच्चा प्यार दे सके, जिसकी उसकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरत है। प्रज्ञा, ऐसी ही रहना। अच्छा जी, जल्दी हो, बाकी बातें तो फिर होती ही रहेगी। हाँ, तो इन भिकमंगों को बोलना ही था। चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ता हूँ। आप बैठिए, आप बैठिए, आराम कीजिए, ये है ना। फिर तो तू भी सेलिब्रिटी बन जाएगी ना। मुझे तो पहले ही पता था अभी को ना तुझ जैसी लड़की पसंद आएगी। इसी को कहते किस्मत दी। मैं ना बुलबुल को बता के आती हूँ, ठीक है? सब इस रिश्ते से बहुत खुश है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है। मुझसे शादी करके इस घर में मेरी बीवी बनकर तो आएगी, लेकिन उसे एक नौकरानी की तरह रखूंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना अभी। आई ट्रस्ट यू। बस एक बात याद रखना, मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रही हूँ और तुम्हारी बहन आलिया के लिए। लगता है दादी आ रही है। मुझे यहाँ देखेंगी तो फिर से गुस्सा हो जाएगी। मैं कहीं छुप जाती हूँ। प्रपोजल के लिए थैंक्स बोलने आई हो ना? सीरियसली सेव योरसेल्फ द ट्रिप और अपना टाइम वेस्ट मत कर, क्योंकि तुम्हारे टाइम का पता नहीं लेकिन मेरा टाइम बहुत कीमती है। जी नहीं, मैं आपको थैंक्स कहने नहीं आई, सॉरी बोलने आई। तुमने मेरे और मेरे परिवार के साथ जो किया उसके लिए सॉरी बोलने आई हो ना, ताकि शादी के बाद हमारे रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना आए। जी नहीं, मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आज तक आपने कभी मुझसे ठीक से बात भी नहीं की। शादी के लिए आप कैसे राजी हो गए पता नहीं, शायद अपनी दादी के लिए या किसी दबाव में आकर। मैं ये समझ चुकी कि दबाव में आकर लिए गए फैसले कभी अपनों को खुशी नहीं देते। हमारी सोच नहीं मिलती, आपका रहन सहन, आपके आसपास के लोग, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर हम आपस में एक दूसरे को कैसे समझेंगे? हम दोनों के बीच कुछ कॉमन है ही नहीं। आज तक हम बेवजह इतनी बार मिलते रहे, लेकिन शायद उन मुलाकातों की यही वजह रही होगी कि हम ये समझ सके कि हम दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं। मैं आपसे यही कहने आई थी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। हमारी कुंडलियों ने हमारा भाग्य तो मिला दिया, लेकिन हम दोनों की सोच हमें आपस में कभी नहीं मिलने देगी। मैं जानती हूँ कि ये बात मुझे आपकी दादी से कहनी चाहिए थी। मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचाना चाहती। प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारे अलावा मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है बुलबुल।
प्लीज मेरी बात सुनो। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? क्यों समझूं ताकि मैं फिर से तुम्हारी बातों में आ जाऊं, या फिर से तुम मुझसे वादे कर सको जो तुमने उस लड़की के साथ किए? बुलबुल तुम मुझे गलत समझ रही हो, और अभी को भी मुझे नहीं सुनना है कुछ भी पूरब। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। तुम यहाँ आए थे मेरे लिए, लेकिन साइड ले रहे हो अपनी दोस्त। यहाँ पे मैं आने भी नहीं वाली थी, लेकिन मेरी दी ने इंसिस्ट किया, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। एक्चुअली मुझे यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। तुम जानते जब से मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ देखा है, तुमसे ही नहीं पर प्यार से भी भरोसा उठ चुका है। मेरी दी का रिश्ता टूटा है, मेरे घर पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही पूरा। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कॉल मत करना, मैसेज मत करना, और मेरे घर के आजू बाजू भी मत आना। जानते हो क्यों? क्योंकि दिस रिलेशन इज ओवर, एवरीथिंग इज ओवर। बाय। बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कल तक मेरे पास सब कुछ था, एवरीथिंग, मेरा प्यार, मेरा दोस्त, बट आज कुछ भी नहीं है मेरे पास। हेलो आलिया, कहाँ हो तुम? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, लाइक राइट नाउ। आ गई भाई, गुड न्यूज फॉर यू। व्हाट गुड न्यूज आलिया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब हो क्या रहा है। जिस लड़की के बारे में तुमने मुझसे कहा था कि वो लड़की सिर्फ पैसों के पीछे पागल है, अगर उसे कोई अमीर लड़का मिल जाएगा तो वो पूरब को भूल जाएगी, गेस व्हाट, वो लड़की मुझसे मिलने आई थी और मुझे शादी के लिए मना करके चली गई। व्हाट? वो लड़की यहाँ आई थी? या आलिया, और तुम्हें देखना चाहिए था कि वो किस तरीके से मुझसे बात कर रही थी। Who the hell is she? समझती क्या है वो अपने आप को? आज तक किसी ने मुझसे इस तरीके से बात नहीं किया। रास्ते से उठकर मेरे घर में आकर मुझसे इस तरीके से बात करेगी वो। तो और तुम्हें देखना चाहिए था कि कैसे घूर रही थी मुझे, जैसे कि खरीद लिया है हमें। समझ में नहीं आ रहा कि उसके साथ क्या करूं मैं। रिलैक्स अभी। उसने भाई को मना कर दिया? कहीं कहीं वो पूरब से तो शादी नहीं करने वाली? भाई ये भी तो हो सकता है ना कि ये सब उसका गेम प्लान हो। नहीं आलिया, अगर ये गेम प्लान होता ना तो वो तो शादी के लिए मना नहीं करती। उसे मेरे पैसों से कोई मतलब नहीं है। शायद उसे सच में पूरब से प्यार है। शायद हम ही उसे गलत समझ बैठे हैं। नहीं भाई, are you sure कि उसने ना बोला शादी के लिए? आलिया तुम्हें क्या लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ? ये सब चीजें मेरे दिमाग में अपने आप आ रही हैं। Relax, please find out कि उसने ऐसा किया क्यों है। I think I get it. मुझे समझ में आ गया है कि उसने शादी के लिए ना क्यों किया है भाई। वो ये दिखाना चाहती है कि हम सब बिलीव कर लें कि उसे पैसा नहीं चाहिए। वो चाहती थी कि हमें लगे कि वो कितनी अच्छी लड़की, जबकि फैक्ट तो ये है भाई कि मिडिल क्लास लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। भाई शी इज अ वेरी स्मार्ट गर्ल। भाई उसने ये नाटक जानबूझ के किया ताकि सब लोग कहें वाओ, व्हाट अ स्वीट संस्कारी गर्ल। आई थिंक अबाउट इट, दादी ऑलरेडी इस लड़की के झांसे में आ चुकी। कहाँ गई थी तू? बाहर से कहाँ से आ रही है? पूर्वी वो क्या हुआ ना कि मुझे लगा कि वो लोग अंदर आ जाएंगे, इसलिए मैं पीछे के दरवाजे से बाहर चली गई। अरे अब तुझे कहीं भागने की जरूरत नहीं है, तुझे पता है प्रज्ञा दी का रिश्ता पक्का हो गया है। सच? वो लोग जो आए थे उन्हें प्रज्ञा दी पसंद आ गई? थैंक गॉड यार, बहुत दिनों के बाद इस घर में खुशी आई है। अरे रुक रुक, अब तुझे भगवान को थैंक करने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं तुझे बताने वाली हूँ ना, वो सुन के तो तेरे होश ही उड़ जाएंगे। क्या बताना? तुझे पता है लड़का कौन है? हाँ अभिषेक प्रेम। ये अभिषेक और कोई नहीं बल्कि अपना रॉकस्टार अभी है। अभी? बुलबुल आई एम सो एक्साइटेड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि प्रज्ञा दी और अभी का ऐसे हैप्पी लव हो गया। अब तो उनकी शादी भी हो जाएगी जल्दी। देखो पता है शादी में पता नहीं कितने बड़े बड़े स्टार्स आएंगे, किसके साथ फोटोग्राफ खिंचाएंगे और किसका ऑटोग्राफ लेंगे। ये शादी नहीं होगी। मैं अभी को जाकर ना बोला हूँ। जी तूने बहुत सही किया, तू जानती है ना वो लड़का कैसा है, और उसके आसपास के लोग भी बहुत ही हॉरिबल है। बुलबुल तुझे क्या हो गया है? अभी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही है तू? तू भी तो नहीं समझ। नहीं, तूने बहुत गलत किया रिश्ते को मना करके। जो कह रही हूँ सच है माँ। माँ मैं आप क्यों
क्यों मना किया? क्यों अच्छा के बना करके आई तू? लड़का अच्छा कमाता दबाता है सिंह, उसकी दादी खुद रिश्ता लेकर आई है प्रज्ञा तेरे लिए, तेरी फोटो दिखाई है, तुझे पसंद किया है, तो क्यों अपनी किस्मत को हमेशा ठोकर दे रहा था? क्यों तू मानने लगी कि बेटा उन्होंने तेरी अच्छाई देखी? तू तो उसकी दादी को जानती है ना, अरे वो कितने अच्छे से रिश्ता लेकर आई है, फिर क्यों तूने मना कर दिया? और क्यों माँ दीदी तो जो भी किया सही किया, जरूर कोई गड़बड़ है माँ, मैं जानती हूँ उन लोगों को, जरूर उन्होंने कोई चाल चली होगी। थप्पड़ लगा के तेरा मुंह तोड़ दूँगी अगर तूने बीच में एक शब्द बोला। और तू अभी को ज्यादा जानती है, उसकी दादी से ज्यादा जानती है। पर क्या देखती उसकी बात पे ध्यान, वो अच्छा लड़का, लेकिन तूने क्यों उसे मना कर दिया? कम से कम मुझसे पूछ तो लेती, मुझसे पूछ तो लेती। मैं आपसे ये कहने आई हूँ कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। आपका रहन सहन, आपके आस पास के लोग, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आता, फिर हम आपस में एक दूसरे को कैसे समझें? हमारी कुंडलियों ने हमारा भाग्य तो मिला दिया, लेकिन हम दोनों की सोच हमें आपस में कभी नहीं मिलेगी। वो ये दिखाना चाहती है कि हम सब बिलीव करें कि उसे पैसा नहीं चाहिए। She's a very smart girl. भाई उसने ये नाटक जानबूझ के किया ताकि सब लोग कहें वाओ, what a sweet, संस्कारी girl. क्यों कर रही है तू ये? तू शादी से खुश नहीं है ना, तो माँ को जाकर हाँ क्यों कहा तूने? देख बुलबुल, अभी को मना करके मुझसे भी गलती हो, तो खुद सोच कितना अच्छा रिश्ता है, इतना बड़ा घर है, इतना अच्छा परिवार, और उसकी दादी कितना प्यार करती है मुझसे यार, और अभी तो रॉकस्टार तो खुद कहती थी कि वो सबसे बेस्ट है, कोई भी लड़की उससे शादी करके लकी होगी, तो मैं तू कोई भी लड़की नहीं है दी, तू अलग है और तेरा फैसला भी अलग होगा। दी मेरी आंखों में देख, तू इस शादी से खुश है? ज्यादा सोच रही, बिल्कुल इतना मत सोच। मुझसे नजरें क्यों चुरा रही है तू? बड़ी प्रैक्टिकल बनती है ना तू, सच आंखों में पढ़ लेती है। आज तुझे खुद का सच नहीं बोला जा रहा? तू हमेशा मुझे बोलती थी ना कि बिल्कुल चमक दमक की दुनिया से दूर रह, सही रास्ते पे चलो। तू क्यों इस रास्ते पे चल पड़ी है? तेरा एक फैसला तेरी पूरी जिंदगी बदल सकता है, तू क्यों करे? मैं जानती तू खुश नहीं, तू क्यों करे? नहीं क्यों खुश, सिर्फ माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ ये शादी। और भी कई रास्ते, हम सॉल्यूशंस, यही एक सॉल्यूशन है। माँ को इस हालत में देखो, उस माँ को जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ दुख देखे, सिर्फ स्ट्रगल्स देखे, हमारे लिए पापा के बिना अकेले हमें पाल पोस के बड़ा किया, खुद भूखा रहकर हमारा पेट भरा, रात रात जग कर मैरिज हॉल खड़ा किया हमारी एजुकेशन के लिए, उन्हें कभी अपने लिए कोई सपना नहीं देखा, उनके सारे सपने हम दोनों की शादी को लेकर, उनका ये एक सपना भी नहीं पूरा हो पाए तो हमें लेकर उन्होंने अपना हर फर्ज निभा लिया, बारी हमारी है बुलबुल। मेरे लिए ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है बुलबुल, मुझे तो शायद जिंदगी में आपका भी प्यार होगा ही नहीं। सरला, सरला आंखें खोल, प्रज्ञा को देख। ये हार किसने दिया? अरे इसकी दादी सास ने भेजा है शगुन के तौर पर। नहीं आराम, आप आराम कीजिए, कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है जैसे बिल्कुल तेरे लिए बना है। बिल्कुल ठीक कह रही, हम लोग बाहर यही कह रहे थे। दादी, दादी वो आया है। कौन आया वो? दादी वो अभी आया है। मैं आपसे यही कहने आई थी कि मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, हमारी कुंडलियों ने हमारा भाग्य तो मिला दिया, लेकिन हम दोनों की सोच हमें आपस में कभी नहीं मिलने देगी।
आपसे मिलने ही आने वाली थी। मैं शायद गुस्से में कुछ ज्यादा ही कह गई, इसलिए इस बार वाकई माफी मांगने आ रही थी। गलती हुई है मुझसे। जब बाद में मैंने सोचा, मुझे लगा कि ये नेकलेस तुम्हें मेरी दादी ने दिया। जी, उन्होंने शगुन भिजवाया। दरअसल उन्हीं की बातों की वजह से मुझे लगा कि तुम्हें मुझसे शादी करनी चाहिए। आलिया वो सो रही है, मान बनने का दिखावा करती है और सोना देखते ही अपना असली रंग दिखा दे। हम बैठे। हाँ बैठो बेटा जी। बेटा जी आपकी दादी नहीं आई साथ? एक्चुअली वो आने वाली थी लेकिन बाकी कामों में बिजी थी। नहीं थैंक्स, तो इसलिए उन्होंने कहा आपसे सॉरी कहना। बेटा जी आपकी दादी ने इतने सारे तोहफे भेज दिए, इतने तोहफों की क्या जरूरत थी, उनका तो आशीर्वाद ही बहुत है। इस बारे में तो मुझे भी पता नहीं था। ठीक है मुझे चलना चाहिए, मैं दादी को बता दूंगा। नहीं 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 बेटा, आप ऐसे कैसे जा सकते हो, बिना कुछ खाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। प्रज्ञा जा बेटा, तू रसोई में जाके ना फटाफट नाश्ता और चाय लिया। आंटी इस बात की कोई जरूरत है आप? बेटा बैठ जा, बेटा जी बैठ बैठ। अरे जा ना। प्रज्ञा, रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी आते हैं मुबारकबाद देते। आंटी जी आप, सुना है अभी के यहाँ से रिश्ता है तुम्हारी? मैं तो यहाँ यही जानने आई हूँ कि तुमने उनको क्या कहा। आंटी जी प्लीज देखिए, आप धीरे बात कीजिए, माँ की तबीयत बहुत मुश्किल से ठीक हुई, आप प्लीज। मतलब तूने हाँ कर दी? रचना के साथ जो हुआ उसके बाद भी तुमने उस परिवार के साथ रिश्ता जोड़ लिया? आंटी जी प्लीज, हम आराम से बात करेंगे ना, लेकिन क्या आराम से बात करो? अरे जो कुछ भी हुआ है गलत हमारे साथ हुआ है। पहले मेरी बेटी के साथ हुआ, बाद में मेरे बेटे के साथ। अगर मैं ये सोचूं तो लगता है ठीक ही हुआ, तुम्हें मेरे बेटे के लायक नहीं थी। आंटी प्लीज, अगर आपको कोसना ही है ना तो अपने बेटे को जाकर कोसिए। ये जो कुछ भी हो रहा है उसी की गलती की वजह से हो रहा है। दूसरों की गलती बताने से अपनी गलतियों पे पर्दा नहीं पड़ता। पर्दा गलतियों पे नहीं, पर्दा आपके बेटे के चेहरे पे। और जिस दिन मैं ये पर्दा हटाऊंगी ना, तब उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाएगा और तब आपको पता चलेगा कि उसने मेरी दी के साथ कितना बड़ा धोखा किया। बुलबुल नहीं दी। आंटी जी मैं आपकी हर शिकायत समझती हूँ और इस वक्त शायद आपका गुस्सा भी जायज है, लेकिन हमारी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। प्लीज प्लीज इस वक्त आप यहाँ से चले जाए। दादी भी ना, अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है और इन्होंने इनविटेशन देने भी शुरू कर दिए, कहीं कुछ गड़बड़ हो गई तो। हेलो हेलो हेलो, नहीं फोन दो इधर। क्या कर रही हो दादी? अगर बात करते करते अगर आपकी तबीयत खराब हो गई तो, बेड रेस्ट पर बैठ गई तो? और आप अच्छे से जानते हो ना दादी कि अगर आपको कुछ हो गया तो भाई शादी नहीं करने वाला, यही चाहती हो क्या? नहीं दादी नहीं, जब तक शादी की डेट फाइनल नहीं हो जाती आप कोई फोन नहीं करोगी, कुछ भी एक्सर्शन नहीं करोगी, इसलिए जाकर कमरे में रेस्ट करो, दैट्स ऑल। अच्छा अच्छा मेरी दादी माँ, फोन तो दे। चलो जाओ रेस्ट करो। भाई कहाँ थे आप, मैं कब से आपको ढूंढ रही थी। यू आर राइट आलिया, वो लड़की बहुत चालाक है, उसने पहले मुझे ना बोला, उसके बाद दादी का दिया हुआ नेकलेस देखने के बाद अपना मन बदल दिया। मतलब? I'm sure she must be thinking कि शादी से पहले इतना सब कुछ मिला है तो शादी के बाद और क्या क्या मिलेगा। यू नो आलिया, मैं उसके घर गया था और इससे पहले कि मैं कुछ कहता उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि वो इस शादी के लिए तैयार है। What? सच में भाई? आलिया पहले मैं ये शादी तेरी खुशी के लिए कर रहा था, लेकिन अब मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। उसी की वजह से मेरा भाई जैसा दोस्त बदल गया, अब मैं उसकी दुनिया बदल दूंगा। उसने मुझे एक बार रिजेक्ट किया था
अब शादी के बाद मैं उसे हर रोज रिजेक्ट करूंगा। मुझसे उलझने का अंजाम उसे मुझसे शादी करने के बाद मिलेगा। I will destroy her. थैंक गॉड भाई, हमें इस लड़की का असली चेहरा पता चल गया। वरना एक पल को तो मुझे लगा था कि कहीं ये सच में पूरब से तो प्यार नहीं करती। पर भाई एक और बात, एक और चैलेंज है जिसे आप ही पूरा कर सकते हैं। पूरब, अगर पूरब को इस पूरे सीन के बारे में पता चल गया तो पूरा प्लान ही फेल कर देगा भाई। सो यू विल हैव टू हैंडल हिम। डोंट वरी आलिया, मैंने पूरब के बारे में सोच लिया। वो एक दो दिन में मुंबई से बाहर जाएगा और तभी वापस आएगा जब मैं चाहूंगा। परफेक्ट भाई, तो फिर आप पूरब को संभालो और मैं शादी के अरेंजमेंट्स करती हूँ। हमें जल्द से जल्द ये शादी करवानी होगी भाई। लेकिन आलिया, यू नो हाउ द मीडिया इज, जल्दी शादी करने पर वो लोग, उसकी टेंशन आप मत लो, मैं हूं ना, दैट्स माय डिपार्टमेंट एंड आई विल हैंडल इट। अरे बेटा आओ, जानकी बेटा, इतनी सब चीजों की क्या जरूरत थी? आपकी दादी जी ने तो पहले ही इतना सब कुछ अगुन में भेज दिया है। जरूरत है आंटी, क्योंकि दादी ने कहा, और दादी की कही बात तो हम कभी टाल ही नहीं सकते। मेरा मतलब है, अब जब दोनों तरफ से लड़का और लड़की सबको पसंद आ ही गए हैं, दोनों फैमिलीज रेडी हो ही गई हैं, तो क्यों ना हम कल एंगेजमेंट कर लें। कल? इतनी जल्दी? नहीं बेटा, इतनी जल्दी कैसे कर सकते हैं? अरे आंटी आप टेंशन मत लीजिए, तैयारियां सब हो जाएंगी। और आंटी आप तो जानती हैं कि दादी की तबीयत आजकल ठीक नहीं रहती और आए दिन घर पर डॉक्टर्स आते रहते, इसलिए हमने सोचा क्यों ना कल एंगेजमेंट कर लें और 3 दिन बाद शादी। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होंगी? अरे आंटी आप टेंशन मत लीजिए, सारी तैयारियां हम कर लेंगे। और वैसे भी हमारे पंडित जी ने कहा है कि कल पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा वाले दिन जो रिश्ते बनते हैं वो कभी टूटते नहीं, इसीलिए एंगेजमेंट कल ही होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगर बात आपकी दादी जी की तबीयत की है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। Oh, I'm so sorry, मैं एक चीज तो बिल्कुल भूल गई आंटी, वन सेकंड ना प्लीज। भाभी नजर नहीं आ रही? वो जरा काम से बाहर गई है, बस आती ही होगी। ओह आंटी, ये भाभी के, अब ये खोलकर देख लीजिए आंटी, देख लीजिए। अरे आंटी खोल के तो देखिए। नहीं नहीं आंटी, ज्यादा पैसे नहीं, सिर्फ 50,000 ही। तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, अगर अगर कुछ मदद चाहिए होगी तो प्लीज बता दीजिए। इतने सालों से मदद ही तो कर रहा था, अब नहीं चाहिए। नहीं 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 माँ, मदद करने दो ना उसे, दी का रिश्ता इतने बड़े घर में जो हुआ है, इतने सारे लोग आएंगे, मीडिया वाले आएंगे, बड़े बड़े लोग आएंगे, तो मदद तो करनी बनती है ना। और वैसे भी तुम जिसमें माहिर हो तुम कर ही सकते, तुमने वो गार्डन्स, रोड्स और वो लैंप पोस्ट, सुरेश उस पीएल का क्या हुआ जो तुमने फाइल की थी उस लैंप पोस्ट के लिए? नहीं हुआ ना, एक काम करना, पड़ोसी होने के नाते ना वो लैंप पोस्ट ठीक करवा लेना। लेकिन जो भी करना है घर के बाहर से करना, घर के अंदर आने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि घर के अंदर वो ही लोग आएंगे जो हमारे अपने, क्योंकि छोटे और धोखेबाजों के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।